है, आपको डाउनलोड करना है बिल्कुल स्मार्ट बॉक्स में। तो ये काफी टाइम की ग्रोथ है, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगी। अभी जो हेलो क्यूटीज, हाउ आर यू? आई एम ज्योति। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, सो आपको कोई भी शेयर नहीं करने वाला, जो रियल ट्रूथ है। सो आज मेरी जो वीडियो है वो फेस शेविंग पे होने वाली है। सो आपने कई लोगों को देखा होगा, वो आपको फेस शेविंग करके दिखा रहे हैं, जहाँ वो आपको बताएंगे कि फर्स्ट टाइम हमने शेव किया आपके सामने। सो उससे क्या है, कुछ नहीं होने वाला। जो उसके बाद का रिज़ल्ट है वो क्या है, तो वो तो कोई शेयर करता ही नहीं है। ऑनेस्ट रिव्यू मुझे आज तक कभी नहीं मिला। सो मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी थी, बहुत बार मैंने डिसाइड भी किया कि करूँ ना करूँ, देन मैंने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना करके देखूँ। सो मैंने ट्राई किया ऑफ कैमरा। सो मुझे ऐसे था कि पहली बार तो सब करके दिखा रहे हैं, क्यों ना मैं आपको आफ्टर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आपको बताऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कोई भी नहीं बताता है आपको। सो मैंने जब उसे ट्राई किया फर्स्ट टाइम, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, ऑनेस्ट बता रही हूँ आपको। सो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम में पूरे फेस पे शेव नहीं किया था। सो मैंने अपनी आईब्राउज़ को सेट किया था थोड़ा सा, और अपर लिप्स को, क्योंकि मैंने अपर लिप्स करवाए थे वन टाइम, तो मुझे इतना पेन हुआ ना, तो मैंने तब सोच लिया था कि मैं अपर लिप्स तो नहीं करवाऊँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपर लिप्स मैं घर पर ही फेस शेविंग से ट्राई करके देखती हूँ। सो मैंने सिर्फ फेस शेविंग जो थी वो मैंने सिर्फ अपर लिप्स किए थे और थ्रेडिंग की थी, एक्स्ट्रा फेस पे मैंने कोई भी हेयर जो है अपने नहीं रिमूव किए थे, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट देखना था कि उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कैसे हैं, क्योंकि मैं किसी पे विश्वास कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई इतना अच्छे से गाइड कर ही नहीं रहा था। तो मैंने जब ट्राई किया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो थोड़े टाइम बाद मैंने दोबारा से भी ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मेरे को जो है मैं दोबारा नहीं कर पाई काफ़ी टाइम तक। तो मैंने रियलाइज़ किया जो मेरे यहाँ के हेयर थे वो थोड़े हार्ड आने लग गए थे। सो वो फील होता था, जो यहाँ पे इतना फील नहीं होगा, आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे करोगे यहाँ पे करोगे तो वो आपको कितना हार्ड फील करेगा। तो मेरे को बहुत ही, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि शुक्र है मैंने सिर्फ यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ पे ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसके बाद जो है आपके फेस के हेयर्स भी हार्ड लगेंगे। सो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि रोज़ रोज़ फेस शेविंग करे, या दो दिन बाद तीन दिन बाद फेस शेविंग कर ले, क्योंकि आजकल सारे ही बिज़ी शेड्यूल के होते हैं। सो अगर नहीं भी बिज़ी तो लेज़ी पर्सन तो होते ही हैं ना, क्योंकि किसी का भी मन नहीं करेगा कि रोज़ रोज़ फेस शेविंग करें। तो उससे क्या है, आपके बाल हार्ड हो जाएंगे, आपका फेस हार्ड फील होगा। सो अभी तो आपका फेस जो है अगर हम टच करते हैं तो सॉफ्ट फील होता है, लेकिन बाद में जो है हेयर्स के साथ वो हार्ड फील होगा। तो मुझे नहीं लगता किसी के पास इतना टाइम होगा कि आप रोज़ रोज़ फेस शेविंग कर सको। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैंने फेस शेविंग नहीं की। सो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आपको फेस शेविंग करने से कोई आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, बिल्कुल रॉन्ग। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, मेनली 1 वीक और 2 वीक के बाद, आपको हार्ड जो हेयर्स हैं वो फील होने लग जाएंगे। आप हाथ लगाओगे तो आपको यहाँ से हार्ड लगेगा। सो इसीलिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं फेस शेविंग कभी भी करूँगी। सो मैं आपको अपना पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ। सो मैंने काफ़ी कमेंट्स भी पढ़े थे ऐसे, लेकिन वही है ना कि कमेंट्स पे हम इतना यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हम ऑनेस्ट रिव्यू ना देख लें या किसी, या खुद यूज़ करके ना देख लें। तो मैंने इसीलिए 1 मंथ, आई थिंक 1 और 2 मंथ हुए हैं, सो पहले मैंने खुद यूज़ किया ताकि मैं आपके साथ अच्छे से रिव्यू शेयर करूं। सो मैं भी ये वीडियो बना सकती थी टाइम मैं आपके सामने फेस शेविंग करूं। सो मुझे लगा कि नहीं, वो इतना अच्छा नहीं है, वो बेनिफिट नहीं देगा आपको। सो मैं आपको आपके साथ वो शेयर करूं जो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो अब मैं क्या करती हूं, अब मैं आईब्राउज़ और जो अपर लिप्स है वो करती हूँ। सो काफ़ी टाइम हो गया मैंने जो अपर लिप्स नहीं किया, आपको बताया था, तो मुझे हार्ड जो हेयर है वो फील हो रहे थे। सो काफ़ी टाइम बाद वो हेयर शो भी बहुत होने लग गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ
शेयर करूँ और आपके साथ साथ ही बाई फेस आपको करके दिखाऊं और आपको अच्छे से रिजल्ट भी दिख जाएगा। और मैंने आपको बता भी दिया है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। अगर आपके पास टाइम है प्रॉपरली हेयर शेविंग करने का, फेस शेविंग करने का, देन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लेज़ी पर्सन कह सकते हो या बिज़ी पर्सन कह सकते हो तो आप प्लीज़ इसे अवॉइड ही करना, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हेयर्स लगते हैं। सो देखने में नहीं तो फील करने में तो बहुत गंदा लगता है। सो पर्सनली मैं तो नहीं करूँगी। सो बाकी आपकी चॉइस है। तो मुझे आपको बताना था ट्रुथ, सो मैंने आपको बता दिया। सो अब हम मैं अपनी फेस शेविंग करने वाली हूँ। सो आपको मेरे हेयर ग्रोथ दिख रहे होंगे, मुझे यहाँ पे पिंपल भी आ गया एक। सो मेरी आईब्राउज पे भी आ गए हैं। अगर मैं दिखा पाऊँ तो शायद मैं आपको विजिबल हो कैमरा पे। सो लेट्स डू इट। सो अब हम अपनी आईब्राउज और अपर लिप्स करने वाले हैं। मैं यूज़ करती हूँ, सो मैंने भी ऑनलाइन देख के ये वाली मंगवाई थी चामसी की, नॉट बैड, काफ़ी अच्छी है। क्वांटिटी वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही 200 के अराउंड मिली थी। और इसके अंदर 3 जो हैं आपके पास फेस रेजर्स हैं जो कि काफ़ी बेस्ट हैं। सो आपको दिख रहा होगा स्टार्ट। सो ये कुछ ऐसा है। सो इसके पास ये ऐसे ब्लेड है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना फेस क्लीन करना है, जो कि मैं अभी करके आ चुकी हूँ। सो मैंने फेस जो है अपना वॉश कर लिया है सीटाफिल के क्लींजर से। सो अभी हम सबसे पहले इसको क्लीन कर लेंगे ताकि जो इस पर एक्स्ट्रा डर्ट है या कुछ भी है वो रिमूव हो जाए अच्छे से। इसको क्लीन करने के बाद अच्छे से अब हम क्या करेंगे, सो आप कुछ भी अपने फेस पे यहाँ पे लगा सकते हो। सो आप एलोवेरा जेल और एवरीथिंग जो आपको लगता है कि जिससे आपको स्मूथली ग्लाइड मिल सके। सो मैं यहाँ पे कुकुम्बर जेल यूज़ कर रही हूँ। सो ये गुड वाइब्स की है कुकुम्बर जेल, और मैं एलोवेरा जेल की जगह पे यही यूज़ कर लेती हूँ। आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। सो ये काफ़ी कूलिंग इफ़ेक्ट देती है आपको। सो आपको अच्छे से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगानी है इसको। देन अब हम करेंगे अपनी फेस रेजर। सो मैंने अपना मिरर ले लिया है। आपको डाउनवर्ड जाना है बिल्कुल स्मॉल स्ट्रोक्स में। सो आपको अभी मैं दिखाऊंगी। सो ये बिल्कुल क्लीन टिश्यू है। सो कैन यू सी दिस? सो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देन अभी हम इस साइड पे भी करेंगे। पिंपल से बचा के करना है आपको। कैन यू सी दिस? सो अभी मैं आपको अच्छे से क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँगी। सो कैन यू वॉच? सो ये काफ़ी टाइम की ग्रोथ है, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगी। अभी जो हम इसे अच्छे से क्लीन करके ही यूज़ करेंगे, एक साफ टिश्यू से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। Can you see the difference? मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है।
सो अभी हम करेंगे अपनी आईब्रोज़। फर्स्ट हम लेंगे क्यूकम्बर जेल। सो हम बोथ साइड लगा लेंगे। सो मुझे यहाँ पे थोड़ा सी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं। आईब्राउज आपको बिल्कुल ध्यान से ही करनी है, क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा हेयर्स ले लिए तो आपकी शेप खराब हो जाएगी। वैसे ना आईब्राउज के लिए एक अलग से आती है, लेकिन मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि मैं थ्रेडिंग ही करवाती हूँ, क्योंकि मुझसे इतनी अच्छे से इससे शेप नहीं बनती है। क्या है ना कि अगर आप कहीं जाना है तो आपको बिल्कुल आराम से जल्दी जल्दी चाहिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सो इसलिए मैं इसी से ही अपना काम चला लेती हूँ। काफ़ी हेयर ग्रोथ जो है मेरी रिमूव हो रही है। सो आप देखोगे कितने यहाँ पे हम जो है इतने अच्छे से नहीं स्ट्रोक यूज़ कर सकते, तो इतने में मेरा काम बन जाता है। आपको हमेशा याद रखना है, आपको इसको बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको थोड़ा सा स्लाइड रख के देन इसको 45 एंगल के डिग्री में आपको रख के इसको शेव करना है। सो आप अभी से भी हम क्लीन कर लेंगे, देन क्लीन करके आपको डिफरेंस दिखेगा। सो मुझे तो काफ़ी हल्का फील हो रहा है। इससे ज़्यादा मेरे को इतना आईब्राउज़ का नहीं था, मुझे अपर लिप्स का ही था। सो अपर लिप्स जो है मेरे वो काफ़ी हद तक क्लीन हो गए हैं। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सो इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको कोई भी अच्छा सा अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। सो मैं यूज़ कर रही हूँ सीटाफिल का। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल लगी होगी। डिपेंड करता है कि अब आपने क्या करना है। मैंने आपको ट्रुथ बिल्कुल बता दिया है। सो मैंने कभी ज़िंदगी में फेस शेविंग नहीं की है, ना कोई वैक्स करवाई है, नथिंग। क्योंकि आप जैसे जैसे आप करवाने लगोगे तो वो आपकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। सो कई कहते हैं कि शेविंग से या वैक्स से ग्रोथ नहीं बढ़ती, सो ये बिल्कुल गलत है। आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सो कईयों की कम बढ़ती है, कईयों की ज़्यादा बढ़ती है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि कितनी होगी आपकी ग्रोथ। लेकिन अगर आपको फेस शेविंग करनी है, सो मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया है। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी फेस शेविंग करना चाहो कर सकते हो। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल और अच्छी लगी। सो अच्छी लगी ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड आने वाले कंटेंट के लिए भी आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।